Hello friends, so today we are here with the part 2 of electoral politics. Beginning with part 1 of electoral politics, we saw few topics of the chapter. Now I am here with the part 2 of the same chapter. So here we start with the topic that what makes an election democratic. इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कौन सी चीज बनाती है. नाउ इलेक्शन जो है वो होते हैं, पर आर दे इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म, आर दे इन अ डेमोक्रेटिक मैनर, हाउ डू वी नो दैट. सो देर इज एन कमिटी सेट फॉर द नेशनल लेवल, फॉर द स्टेट लेवल, उसको बोला जाता है इलेक्शन कमीशन. सो इलेक्शन कमीशन इज द कमिटी विच इज सेट अप बाय आर गवर्नमेंट फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस एंड फॉर एवरी अदर थिंग विच इज रिलेटेड टू द इलेक्शंस. नाउ हाउ डू वी नो दैट द इलेक्शंस कंडक्टेड आर एक्चुअली डेमोक्रेटिक, देर इज नो माल प्रैक्टिस हैपनिंग. सो वील सी द फर्स्ट थिंग, इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल द इलेक्शंस. एवरी कोड ऑफ कंडक्ट जो है, जो लिमिट पैसे की जो है सेट की रखी है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उस सब का जो कंट्रोल है, जो देखना जाता है, जिसको वो देखते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन का काम, कि कोई लिमिट एक्सीड तो नहीं कर रहा है, कहीं पे कोई माल प्रैक्टिस तो नहीं हो रही है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है. दैट इज द वर्क ऑफ इलेक्शन कमीशन स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस. जब डेट्स अनाउंस की जाती है कि इस डेट पे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शंस होंगे, टू द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, मतलब इलेक्शंस का अनाउंसमेंट से लेके इलेक्शंस का जो रिजल्ट है, कौन सा पार्टी जीता है, कौन सा पार्टी हारा है, वो डिक्लेयर होने तक सब काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का होता है. नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशमेंट. जैसे कि मैंने आपको बोला, इलेक्शन कमीशन का काम है कोड ऑफ कंडक्ट को देखना, कोड ऑफ कंडक्ट को लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस पर जांच पड़ताल करना, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको पनिशमेंट देना, मतलब उनको जो भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं, वो भी इलेक्शन कमीशन ही उनको उस कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू लेके जाता है. सो दीज आर दी मेन फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन दैट मेक इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. नेक्स्ट वी गो इज गवर्नमेंट टू फॉलो द गाइडलाइंस टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर. दैट इज गवर्नमेंट का रिसोर्सेज जो है वो उनका मिसयूज नहीं होना चाहिए, या फिर उनका ज़्यादा यूज़ भी नहीं होना चाहिए इलेक्शन के पर्पस में. क्योंकि अगर गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ करता है कोई कैंडिडेट, तो उसका जीतने का जो चांस है वो एनहांस हो जाता है. एनहांस का मतलब होता है कि उसको जीतने का जो चांस है वो बढ़ जाता है, उसको ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो जीतने का वो बढ़ जाता है. पर ये गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट रिसोर्सेज उसका प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, दैट बिलोंग्स टू द नेशन, एंड नो प्रॉपर्टी ऑफ नेशन कैन बी यूज्ड बाय एनी कैंडिडेट फॉर हिज पर्सनल पर्पजेस. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर. नाउ द ऑफिसर, जो पोलिंग बूथ पे हम जाते हैं, जहाँ पे जाके वोट कास्ट होती है, जो वोट काउंट करने का प्रोसेस होता है, वो सब में गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो काम करते हैं. पर वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लीड कोई गवर्नमेंट नहीं करता है. वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो होते हैं वो परमानेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा, या फिर जो गवर्नमेंट बॉडीज, गवर्नमेंट स्कूल्स में काम करते हैं वो, तो वो इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करते हैं. दे डू नॉट वर्क अंडर द गवर्नमेंट. सो इलेक्शन कमीशन जो है वो उनको ऑर्डर्स देता है, वो उनको सब बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और फिर वो उस हिसाब से काम पे लग जाते हैं. सो दीज पीपल वर्क अंडर द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट इज वी आर लर्निंग अबाउट द टर्म पॉपुलर पार्टिसिपेशन. पार्टिसिपेशन से इनका क्या मतलब है, कि कितने लोग एक्चुअली जाके वोट करते हैं, कितने लोग जो एलिजिबल है वोट करने को, वो एक्चुअली अपना जो उनका राइट है वो एग्जीक्यूट करते हैं. सो टर्नआउट इज अ टर्म विच मीन्स परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट. माने परसेंटेज ऑफ द वोटर जो एक्चुअल में जाके अपना जो वोट है वो कास्ट करते हैं, कि अगर इफ़ आई एम 18 प्लस, आई हैव माई वोटर्स आई डी, सो आई एक्चुअली गो टू द पोलिंग बूथ, आई कास्ट माई वोट टू विच एवर पार्टी आई फेवर. दैट इज नोन एज द टर्नआउट, दैट इज द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु एक्चुअली गो आउट एंड कास्ट देयर वोट, हु आर एलिजिबल ऑफ कास्टिंग देयर वोट. नेक्स्ट इज
पुअर पीपल जो है अपने कंट्री में इंडिया में वो ज़्यादा नंबर्स में जाके वोट करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो इंसान रिच है उसे थोड़े ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं उस इंसान को, जो इंसान पुअर है और क्योंकि उसके पास सारे रिसोर्सेस नहीं होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करता है कि उसका नीड्स एस्पिरेशंस जो है वो पूरे किए जाए। तो इस वजह से पुअर पीपल जो है उनको लगता है कि वो अगर उस कैंडिडेट को वोट करेंगे जो उनको शायद से फेवर कर सकता है तो वो जाके उसको वोट करते हैं, इसलिए पुअर पीपल का जो है पार्टिसिपेशन ज़्यादा रहता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि रिच पीपल जो है, जो थोड़ा वेल क्लास सोसाइटी है, वो इसको इलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा निग्लेक्ट कर देते हैं कई बार, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास जो चीज़ उनको चाहिए वो सब है। दे डू नॉट एक्चुअली नीड मैनी थिंग्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इन कंपेरिजन टू दी पुअर पीपल, सो दैट मेक्स पुअर पीपल्स इन मोर नंबर्स टू गो एंड एक्चुअली वोट। नेक्स्ट इज थ्रू इलेक्शंस प्रेशर द पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट। नाउ क्या होता है कि इलेक्शंस के वजह से पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर आ जाता है और उस प्रेशर के अंडर वो अडॉप्ट करते हैं वो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो फेवरेबल होते हैं लोगों के लिए। माने इलेक्शंस में जब हम वोट करने जाते हैं तब हम एक पार्टी लीडर को पता होता है कि हम उसको वोट कर रहे हैं क्योंकि एक हाथ पॉलिसी है, एक हाथ प्रोग्राम है जो वो लेके आया है और हमको वो पसंद आया है, हमको चाहिए कि वो लीडर उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करे, इसीलिए हम उस लीडर को जो है वोट करते हैं। तो उस पर एक प्रेशर बन जाता है कि वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट करे, वो पॉलिसी लेके आए, इंट्रोड्यूस करे पार्लियामेंट में, और इसके वजह से जो लोगों का राइट टू वोट है वो यहाँ पे काम आता है। नेक्स्ट इज द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस विच वी आर लर्निंग अबाउट इज कि हम देखते हैं कि रेगुलरली हम देखा जा सकता है कि रूलिंग पार्टी जो है कहीं बार हार जाती है। 10 साल कांग्रेस ने रूल करने के बाद 2014 में बीजेपी का गवर्नमेंट आया, वापस 5 साल बीजेपी ने रूल करने के बाद वापस 5 साल बाद बीजेपी का गवर्नमेंट आया। सो इट डिपेंड्स ऑन द पीपल, इट डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट व्हाट वर्क दे डू, हाउ द वर्क इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। सो लोगों का चॉइस है, वो लोगों के ऊपर रहता है वो। नेक्स्ट इज बैड कैंडिडेट्स ऑफन लूज इलेक्शंस। बैड मतलब जिनको कुछ ज़्यादा रहता नहीं है, जिनको थोड़ा लाइक क्रिमिनल केसेस है, ज़्यादा एडुकेटेड नहीं है, करप्ट ऑफिसर, करप्ट कैंडिडेट्स हैं, वो कई बार हार जाते हैं इलेक्शन क्योंकि लोगों को भी पता है कि उनका कैंडिडेट कैसा है। नेक्स्ट इज द इलेक्टोरल आउटकम इज एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट बाई द डिफीटेड पार्टी। मतलब जो पार्टी हार जाती है, जो पार्टी ओपोजिशन में रहती है, वो ये कई बार एक्सेप्ट कर लेती है कि चलो भाई ये लोगों की इच्छा है, दिस इज पीपल्स चॉइस, ये पीपल ने जो उनका चॉइस है वो सबको बता दिया है, इट इज बीइंग पब्लिक सो इट इज पीपल्स वर्डिक्ट सो वी एक्सेप्ट इट। पर ऐसा हर बार नहीं होता है, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज कम आउट विथ द आइडियाज कि EVM मशीन्स हैक हो गए हैं, माल प्रैक्टिस यूज किए गए हैं, पैसे दिए गए हैं, सो वी एक्चुअली डू नॉट नो वॉट इज हैपनिंग। मैनी टाइम्स मीडिया कवर्स सम थिंग्स पर वी डू नॉट नो हाउ रियल इट इज, हाउ फॉल्स द थिंग्स बींग कवर्ड आर। तो ये कई बार होता है कि कई बार जो अपोजिशन पार्टीज है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो भाई होगा कुछ, पीपल का चॉइस है, हम कुछ नहीं कर सकते, पर कई बार वो ऐसे बैकफायर भी करते हैं बोल के कि नहीं ये EVM जो है वो हैक हो गया है। सो इट डिपेंड्स अपॉन पार्टी टू पार्टी। Now we are here with the challenges to the free and fair election system. So the first is candidates with a lot of money enjoy big and unfair advantage. This is the major problem in our country as well as entire world. जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं, जिनके पास ज़्यादा resources हैं, उनको ज़्यादा problems face करने पड़ते हैं compared to those जिनके पास कम पैसे हैं, कम connections हैं, कम resources हैं. Next is क्रिमिनल कनेक्शंस। नाउ द पीपल विद क्रिमिनल कनेक्शंस, जो डाकू गुंडे हम बोलते हैं हिंदी में, उनको कहीं बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज टिकट्स दे देती हैं, या तो ये उन पर प्रेशर डाल रहे हैं इसलिए दे देते हैं, या फिर वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजंस, पर मेनी टाइम्स दिस हैपन्स दैट दे आर बीइंग प्रेशर्ड बाय द पीपल विद क्रिमिनल कनेक्शंस सो दैट दे गिव देम टिकट्स, दैट इज द they can become the candidates of that political party, and after becoming winning the elections most of the times jo unke upar jo dhabbe lage hote hain, jo criminal cases lage hote hain, wo sab wo dheere dheere karke log bhul jate hain, ye kuch dikhave ke liye acche acche kaam kar dete hain, and then their name is being cleared by themselves.
नेक्स्ट इज डोमिनेटिंग फैमिलीज. जो फैमिली कनेक्शंस होते हैं वो कई बार डोमिनेटिंग होते हैं, जिनमें क्या होता है कि जो एक फैमिली है उनके भी रिलेटिव्स को टिकट्स दी जाती हैं. इंडिया में एक मेजर पार्टी है जिसमें हम कई सालों से देखते आ रहे हैं कि एक ही फैमिली के जो है वही लीडर्स मेन उस पार्टी के अध्यक्ष हम बोलते हैं वो रहते आए हैं. नेक्स्ट इज मेजॉरिटी पार्टीज आर सिमिलर टू ईच अदर. जो मेन मेन पार्टीज हैं अपनी कंट्री में उनका जो पॉलिसीज प्रोग्राम्स है वो एक दूसरे से ऐसे सिमिलर ही है. देर इज़ नो मच ऑफ अ डिफरेंस. तो लोगों को कुछ ज़्यादा चॉइस ही नहीं मिलता. ये अगर एक पार्टी ऐसा है तो दूसरा पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा रहेगा. दिस इज जस्ट इलस्ट्रेशन. सो पीपल डू नॉट गेट मच ऑफ अ चॉइस. नेक्स्ट इज स्मॉलर पार्टी सफर अ ह्यूज डिसएडवांटेज. अब जो बड़ी पार्टी है पूरी दुनिया पूरा कंट्री उसको जानता है, उसके बड़े बड़े लीडर्स पूरी दुनिया घूम चुके होते हैं, उनको ज़्यादा एडवांटेज होता है. उनके पास पॉपुलैरिटी होती है, दे आर फेमस पीपल, पीपल नो देम, सो पीपल गो एंड वोट अगेंस्ट द सिंबल विच दे बिलोंग टू. पर जो छोटे छोटे रूलर्स होते हैं, जो छोटे छोटे पार्टीज होते हैं, उनके पास रहेंगे कई सारे पॉलिसीज अच्छे अच्छे रहेंगे, पर उनको क्या है ज़्यादा लोग जानते नहीं है, वो ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाते. उनके पास ज़्यादा पैसे, ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा कनेक्शंस नहीं होते हैं. तो इस वजह से कई बार क्या हो जाता है कि इनको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज फेस करना पड़ता है. नेक्स्ट इज दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में है, ये पूरी दुनिया में हम देख सकते हैं कि हर जगह पे वो चैलेंजेस जो है वो हम देख सकते हैं. हर डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम्स है, पर डेमोक्रेसी अगेन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो वी डू नॉट एक्चुअली डिबेट अपॉन दिस थिंग, क्योंकि डेमोक्रेसी इज एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट. So these problems do exist all over the world, but what we can do as an ordinary citizen to face these challenges, क्या कुछ measures हैं जो आप सोच सकते हो, क्या कुछ measures हैं जो आप ले सकते हो. हम ordinary citizens हैं, हम student stage में हैं, तो हमें कुछ ऐसे कुछ solutions अगर हमारे पास होंगे तो वो क्या हम use करके हमारी country को एक better place to live बना सकते हैं. ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें अब तक नहीं मिला. सो दिस वॉज ऑल फॉर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट.